नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के एरोड में गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। एरोड के कोपिचेटी कलायम के पास एक दोपहिया वाहन पर गांजा के साथ 3 युवक निषेध पुलिस द्वारा गिरफ्तार। कोपिचेटी कलायम के पास कोयम्बटूर डिवीजन रोड पर गोभी निषेध पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर कलयारासी के नेतृत्व में 5 से अधिक कांस्टेबल वाहन तलाशी में शामिल थे। तभी एक दोपहिया वाहन पर आए 3 लोगों को रोका गया और जब उन्होंने जिस वाहन को चला रहे थे उसकी तलाशी ली तो पाया कि उनमें से एक व्यक्ति एक पैकेट में 250 ग्राम गांजा लपेट कर ले जा रहा था। इसके बाद गांजा के साथ पकड़े गए 3 लोगों को गिरफ्तार कर गोभी निषेध पुलिस स्टेशन लाया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि पकड़े गए 3 लोग सुवंदापुर के पास गणपति पलायम के रहने वाले थे। इसके बाद मध्य निषेध पुलिस ने गांजा के साथ पकड़े गए नागराज, बलरामन और अंबू के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल में डाल दिया। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट।